नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, कल यानी कि 23 अगस्त को भारत के केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जो है वो पटना पहुंचने वाले हैं और उसको लेकर के पूरा पटना जो है अब उनकी तैयारियों में, खास करके लोजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं या फिर बड़े नेता हैं, तमाम लोग जो हैं पशुपति कुमार पारस का जो है वो स्वागत कर रहे हैं। इस वक्त हम बीरचंद पटेल पट पर मौजूद हैं और आप मेरे पीछे की तस्वीरों को अगर गौर से देख रहे होंगे तो पूरा जो ये रोड है, ये सड़क है, इसके दोनों किनारे जो है वो पशुपति पारस के स्वागत को लेकर तस्वीर जो है वो लग चुकी है। पोस्टर बैनर जो है वो लगा दिया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं साफ शब्दों में लिखा है, श्री पशुपति कुमार पारस जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा सह केंद्रीय मंत्री खाद्य प्रसंस्करण तथा उद्योग मंत्रालय भारत सरकार का बिहार आगमन पर हार्दिक स्वागत है 23 अगस्त 2021 को। यानी कि कल जो है पशुपति कुमार पारस जो है वो पटना आने वाले हैं और उसको लेकर के जो है वो पोस्टर तमाम पटना की सड़कों पर लगा हुआ है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते होंगे कि पूरे पटना में जो है वो पोस्टर और बैनर लोजपा के तरफ से जो है वो लगाया गया है। तमाम लोजपा के अलग अलग कार्यकर्ता हों या नेता हों, तमाम लोग जो हैं उन्होंने पोस्टर लगा दी है। आप देखिए कि तमाम जगहों पर पोस्टर लगा हुआ है स्वागत के लिए। हम आपको बता दें कि फिलहाल इस वक्त लोजपा जो है वो दो गुटों में बटा हुआ है, एक चिराग गुट और एक पशुपति कुमार पारस गुट। लेकिन जो भी पशुपति कुमार पारस गुट के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग अपने नेता का, अपने सीनियर लीडर के स्वागत के लिए तमाम पटना की सड़कों पर बैनर से उनका स्वागत कर रहे हैं। कल का कार्यक्रम देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर कल का कार्यक्रम जो है वो किस तरह से होगा। हालांकि फिलहाल पूरे पटना की सड़कों पर इस वक्त जो है वो पशुपति कुमार पारस के आगमन को लेकर पोस्टर और उनके स्वागत के लिए जो है तमाम लोजपा के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर बैनर लगा रखा है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से पशुपति कुमार पारस जो कि भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, उनके स्वागत के लिए पोस्टर लगा दी गई है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।